19वीं सेंचुरी के एंड में फिजिक्स के सामने एक ऐसी पहेली आई जिसका आंसर देना मुश्किल हो रहा था। ये पहेली थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने इंटरनल टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन एमिट करता है तो उस ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी और उस रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेलेजेंस रेडिएशन लॉ दिए गए, लेकिन कोई भी लॉ इस कर्व को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि क्लासिकल फिजिक्स से इसे एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में एक ऐसे रिवोल्यूशनरी आइडिया की ज़रूरत थी जो उस समय तक के नॉन फिजिक्स के बियॉन्ड जाकर इसे एक्सप्लेन कर पाए। ये कमाल किया जर्मन थियोरेटिकल फिजिस्ट मैक्स प्लांक ने। उन्होंने न केवल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया बल्कि मॉडर्न फिजिक्स की नींव भी रखी, जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के इस वीडियो में हम प्लांक रेडिएशन लॉ के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश में लॉर्ड रैले और जेम्स जीन्स ने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड रैलेजेंस रेडिएशन लॉ दिया। इस लॉ के अकॉर्डिंग रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी उस रेडिएशन की स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है और स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस तरह यह लॉ हाई वेवलेंथ पर रेडिएशन कर्व को तो फॉलो करती है, लेकिन अपने स्क्वायर इन्वर्स नेचर की वजह से लो वेवलेंथ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रिडिक्ट करती है जो कि एक्चुअल कर्व से मैच नहीं होता। रेलेजेंस रेडिएशन लॉ के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ब्लैक बॉडी कैविटी में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नंबर ऑफ मोड्स को बताता है, जबकि सेकेंड पार्ट ईच मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी को, जो कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबके लिए इक्वल ऑन एन एवरेज KT होता है। इसका मतलब यह है कि ऑसिलेटर चाहे कितनी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी एवरेज एनर्जी KT ही होगी। मैक्स प्लांक ने सालों से चले आ रहे क्लासिकल फिजिक्स के इसी थ्योरी के अगेंस्ट जाकर कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका कहना था कि अगर ऑसिलेटर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी भी अलग अलग होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि अगर कोई ऑसिलेटर न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी न्यू और एक बहुत स्मॉल नंबर के मल्टीपल के इक्वल होगी। यह नंबर एक कांस्टेंट है जिसे कुछ सालों बाद उन्हीं के नाम पर प्लांक कांस्टेंट नाम दिया गया। इस तरह प्लांक के अकॉर्डिंग ऑसिलेटर की एनर्जी KT ना होकर ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जिसे HN से रिप्रेजेंट किया गया। अगर कैविटी में एक से ज़्यादा रेडिएशन है और सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो एवरेज एनर्जी के लिए प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेते हुए सभी रेडिएशन की एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की, जो कि HN/(HN/KT-1) आई। जब प्लांक ने इस एवरेज एनर्जी से रेलेजेंस लॉ के एवरेज एनर्जी KT को रिप्लेस किया तो उन्हें एनर्जी डेंसिटी की एक नई इक्वेशन मिली। एनर्जी डेंसिटी की यह इक्वेशन रेलेजेंस रेडिएशन लॉ के कंपेरिजन में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी डेंसिटी न केवल फ्रीक्वेंसी की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल है बल्कि फ्रीक्वेंसी की एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी है। इस इक्वेशन को प्लांक रेडिएशन लॉ नाम दिया गया। अब प्लांक रेडिएशन लॉ को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। इस इक्वेशन में लैम्डा के दो टर्म है, 1/λ³ और लैम्डा की एक्सपोनेंशियल टर्म। सबसे पहले 1/λ³ का ग्राफ ड्रॉ करें तो यह कुछ डिक्रीजिंग नेचर का कर्व देता है। वहीं लैम्डा की एक्सपोनेंशियल टर्म का ग्राफ ड्रॉ करें तो यह एक इंक्रीजिंग कर्व बनाता है। दोनों ही कर्व टेम्परेचर की कांस्टेंट वैल्यू के लिए ड्रॉ किए गए हैं। जब दोनों ग्राफ को मर्ज कर देते हैं तो लो वेवलेंथ पर एनर्जी डेंसिटी लैम्डा की एक्सपोनेंशियल टर्म के कर्व को फॉलो करती है, क्योंकि इस वेवलेंथ पर एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेटिंग है। लेकिन वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ 1/λ³ कर्व का इफेक्ट भी बढ़ने लगता है और एक्सपोनेंशियल टर्म का इफेक्ट घटने लगता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ये दोनों कर्व इक्वली इफेक्टिव हो जाते हैं। इस वेवलेंथ पर ब्लैक बॉडी मैक्सिमम रेडिएशन एमिट करती है। इस वेवलेंथ को पीक या डोमिनेटिंग वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को और इंक्रीज करने पर 1/λ³ कर्व डोमिनेटिंग होने लगती है और एक्सपोनेंशियल टर्म का इफेक्ट घटने लगता है, जिससे ओवरऑल रेडिएशन कर्व डिक्रीज होने लगती है। इस तरह प्लांक रेडिएशन लॉ अकेले ही पूरे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाई। प्लांक के इस रिवोल्यूशनरी आइडिया ने
कि रेडिएशन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ने न केवल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की पहेली को सुलझाया बल्कि आज के मॉडर्न फिजिक्स की नींव भी रखी, जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। कुछ सालों बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक के इसी आइडिया को काम में लेते हुए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसके बाद एच न्यू को लाइट का क्वांटा कहा जाने लगा। मैक्स प्लैंक को इस क्वांटा ऑफ लाइट के लिए 1918 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया।